हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन लॉक करने हैं तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएं कि आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो में बस सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके अपने फ़ोन में आप अपने एप्लीकेशन को किसी को भी लॉक कर सकते हैं। चलिए कैसे करते हैं बताते हैं इसी वीडियो में। इसके लिए आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले सेटिंग ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है आपके फ़ोन में। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ मिल जाता है आपको प्राइवेसी। प्राइवेसी पे जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद ये परमिशन पे क्लिक के बराबर में आपको मिल जाता है प्राइवेसी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ मिल जाता है आपको ऐप लॉक ऐप हाइड, सिंपली हम ऐप लॉक पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर आपका फ़ोन लोडिंग करेगा, आपके ऐप्स जो भी लोड हैं जितने ऐप्स हैं फ़ोन में सारे लोडिंग कर लेता है। इसके बाद आप इसे ऐप लॉक वाले फीचर को ऑन करेंगे। ऑन करते ही आपको मिल जाता है सेट ए प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, तो आपको पासवर्ड को ही एक सेट कर लेना है ऐप लॉक के लिए। तो इसके लिए हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ से आप कोई भी पासवर्ड सेट कर लेंगे। इसमें अगर पैटर्न लगाना है तो यहाँ मिल जाता है आपको यूज़ डिफरेंट पासवर्ड टाइप, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मिल जाता है 4 digit, 4 से 16 digit या पैटर्न अल्फा नंबर जो भी चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर लेंगे। तो हम इसे अपने फ़ोन में 4 digit वाले को सेट कर देते हैं। कोई भी एक नंबर अपने इसमें सेट कर लेंगे 4 digit का। फिर रीयूज पे क्लिक करेंगे, एक बार इसे आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद ये पूछ रहा है आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन, फार्मर टीचर नेम, यहाँ आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, अपने टीचर का नाम भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो वो हम इसमें अपने फ़ोन के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद अपना नाम इसमें एंटर कर देंगे, इसे हम कर देंगे ओके। ओके करने के बाद आपके सारे एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। अब जो भी आपको लॉक करना है वो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। हम सबसे पहले अमेजोन को लॉक कर देते हैं और एक क्रोम ब्राउज़र को हम लॉक कर देते हैं। और भी जो एप्लीकेशन आपको चाहिए जिन्हें आपको लॉक करना चाहते हैं वो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो यहाँ से हम एक जीमेल को लॉक कर देते हैं। 3 एप्लीकेशन हैं जो कि हमने लॉक कर दिए हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम बैक आ जाते हैं और आपको चेक करा देते हैं हमने जो एप्लीकेशन लॉक किए वो हमारे लॉक हुए नहीं हुए। तो सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउज़र को लॉक किया था जो कि हमारा लॉक हो चुका है। इसके बाद हमने अपने फ़ोन के अंदर अमेजोन को लॉक किया था, तो अमेजोन भी आप अपने फ़ोन के अंदर यहाँ से चेक कर सकते हैं जो कि हमारा लॉक हो चुका है। अगर आप इन्हें फिंगरप्रिंट से एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप फिंगरप्रिंट से भी आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद प्राइवेसी एंड पासवर्ड पर जाएंगे। यहाँ से आपको अगर फिंगरप्रिंट से एक्सेस करना है तो फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको मिल जाता है ऐप लॉक, तो इसे आप ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद एक बार जो पासवर्ड आपने ऐप लॉक पर सेट किया था वो आप यहाँ एंटर कर देंगे और आपका ये फीचर ऑन हो जाता है। अब आप अपने एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने क्रोम ब्राउज़र खोला और फिंगरप्रिंट से आपसे एक्सेस कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप को फिंगरप्रिंट से भी आप एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को लॉक सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।